2 अप्रैल को बिहार के सासाराम में शाह की रैली रद्द होने के बाद बिहार सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। मामले को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में बीजेपी नेता और MLC संजय मयूख ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने जानबूझकर सासाराम में शाह की रैली को रोक दिया। बता दें, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह को बिहार की सासाराम में रैली करनी थी, लेकिन हिंसा के माहौल के चलते शाह की रैली को रद्द कर दिया गया, जिसकी जानकारी खुद MLC संजय मयूख ने दी थी और बताया था कि राज्य सरकार ने सासाराम में धारा 144 लागू कर दी है। हमारे प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार ने सासाराम में अमित शाह की रैली को रोक दिया है। धारा 144 लागू होने पर रैली कैसे हो सकती है? हमने नवादा में कार्यक्रम निर्धारित किया है। उधर संजय मयूख के अलावा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी शाह की रैली रद्द होने पर बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सासाराम में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त था। विधानसभा भवन में जब बीजेपी के एक विधायक ने ये सवाल पूछा तो राज्य सरकार ने सासाराम की स्थिति स्पष्ट नहीं की। ये राज्य सरकार का रैली को रोकने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। मयूख और सिन्हा के अलावा बिहार में हुए बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी की ओर से किए जा रहे इन हमलों पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जवाब भी सामने आया, जिस पर उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को एहसास हो गया कि लोग सासाराम नहीं आएंगे, इसलिए बीजेपी ने अचानक रैली रद्द कर दी। सासाराम में स्थिति सामान्य है और उन्हें कौन रोक रहा है? देश के गृह मंत्री हैं, हम बिहार में उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। महागठबंधन सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। गौरतलब है कि सासाराम में शुक्रवार को नवरात्रि विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प देखने को मिली थी। इस झड़प के दौरान लोगों ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी भी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी और धारा 144 लगा दी थी। फिलहाल सासाराम में हालात काबू में हैं, हालांकि रैली रद्द होने की वजह से सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।